श्री सत्यनारायण कथा रखी गई है व कीर्तन रखा गया है। तो आज आप सब जुड़े रहेंगे हमारे साथ और सब आनंद लेंगे साथ में। चलिए अब हम चलते हैं। आज हम आपको सारा प्रोग्राम पूरा दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, आप सब जुड़े रहिए। और आपने हमारी ब्लॉगिंग वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अब हम श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम की तरफ आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर का प्रांगण। और ये देखिए श्री वेंकटेश्वर बालाजी देवस्थानम, आप देख सकते हैं मंदिर। जी मनीषा, कैसे हैं? अच्छी है सर, ठीक है। आइए, आज आपको हम लेकर चलते हैं वेंकटेश्वर देवस्थानम में, जहां एक आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए। मनीषा जी। हाँ जी सर। ये है हमारे रमेश भाई। रमेश भाई जो है अपना वॉलेंटरी सेवा देते हैं मंदिर के लिए। और रमेश जी आप बताइए, आप कौन सा डिपार्टमेंट, मतलब कौन सा कार्यक्रम आप? मुझे भंडारे का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, सब्जी और जो खाद्यान्न भंडार है वो सब मैं ला के देता हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पर सबको अलग अलग, जितने भी वॉलेंटियर्स हैं सबको अलग अलग मैनेजमेंट किया गया। देखिए, जो जिसमें अच्छी तरह से काम कर सकता है उसको उसी काम में दिया गया, माई की तरफ से सेवा ऐसे अपने दे रहे हैं। जबकि इनका अपना जो काम है मिल्क सप्लाई का काम है, लेकिन माई जी के लिए अपने वेंकटेश्वर देवस्थानम के लिए ये अपनी सेवा देते हैं। जो हमारा टाइम बचता हो हम मंदिर में देते हैं। अच्छा, ये बताइए आप कब जुड़े और कैसे जुड़े मंदिर के साथ? जिस टाइम से मंदिर स्टार्ट रहा था उसी टाइम से हम माई के साथ जुड़े। तो आप, मुझे लग रहा है कि जब आपको कुछ परेशानी थी, मतलब दिक्कत थी, सांस की दिक्कत थी और बच्चे एक दिन पहले एडमिट करवाने जा रहे थे, तो मैंने कहा चार दिन जो है मैं सेवा में, नाम है मेरा, मैं सेवा करूंगा, उसके बाद मेरे को कहीं भी ले जाना। मैं नहीं गया उनके पास और डॉक्टर से दो खुराक ली, मेरे को कुछ भगवान की दया हुई, कुछ दवाइयों का सहारा मिला, मैं अब स्वस्थ हूँ बिल्कुल। तो ये जो है देवस्थान में इनकी आस्था जो है उसी दिन से है, जिस दिन से इनको लगा कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। ठीक है मनीषा, आगे चलते हैं। ये जो आइए आइए, क्योंकि आज ये कार्यक्रम का आयोजन है तो इसलिए यहाँ जो है सामान नगर से इकट्ठा है। यहाँ आज सत्यनारायण जी की पूजा है, उसके बाद कीर्तन है और उसके बारे में ऊपर पंडित जी हैं हमारे, वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे। हाँ, एक और जो है अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं मनीषा, ये मीनाक्षी जी हैं और ये हाउस वाइफ है, उसके साथ ही ये मंदिर में अपनी सेवा देती है। तो मीनाक्षी जी, आपको जब से आप जुड़े हैं माई जी के साथ जुड़कर और मंदिर के साथ आपका जो आस्था है उसमें आप बताइए। नमस्कार जी, जय सिया राम, मैं मीनाक्षी शर्मा आज आप लोगों से इस मंदिर में मिलकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पहले हम लोग रानीबाग में रहते थे जहाँ हमें एक ऐसा एटमोसफियर मिला ही नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी किस्मत एकदम से चमक गई लगा लो, कि दो दो मंदिर हमारे यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंदिर से जुड़ी हूँ और एक यहाँ की सेविका बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ आप कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में, कुछ विशेष? आज जैसे मंदिर में जो आयोजन किया जा रहा है, डोली माई जी की सुपुत्री पारुल की शादी से पहले यहाँ पे एक कथा हो रही है और बाद में कीर्तन भी है, और हम चाहते हैं कि भगवान श्री वेंकटेश्वर उसे ढेर सारा आशीर्वाद दें, वो अपनी जिंदगी में आगे बहुत तरक्की करे और उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी निकले। और मैं चाहती हूँ कि जैसे वेंकटेश्वर भगवान जी का आशीर्वाद यहाँ पूरी पब्लिक पे बहुत अच्छे से बना हुआ है, सभी यहाँ पर दौड़ दौड़ के जैसे आते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे हम सब पर। हाँ, एक मेरे छोटे भाई हैं विकास जानवर,
ठीक है, ये भी मंदिर में अपनी सेवा देते हैं, जबकि इनका अपना काम है एसी रिपेयर वगैरह का या एसी परचेज का, इनका अच्छा काम है, लेकिन जब भी इन्हें समय मिलता है ये मंदिर में अपनी सेवाएं और माई के आशीर्वाद से यहाँ अपना जितना टाइम मिलता है, खाली टाइम मिलता है, वो मंदिर में अपनी सेवा देते हैं। विकास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर जब से बना है कॉलोनी में और आसपास में काफी नाम है और यहाँ से दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, तो हम बस यही है कि आप लोग सभी जो भी सुनेंगे देखेंगे कृपया यहाँ पे आइए और प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। ओके, धन्यवाद विकास जी। मीनाक्षी जी, ये मेरी बहन है, बहन मतलब मान लीजिए कि इनका भी मंदिर के साथ में बहुत अपनापन, बहुत प्यार है और यहाँ इनकी आस्था जुड़ी हुई है। और बहन जी, आप जो आपको महसूस हुआ मंदिर के लिए यहाँ आकर सेवा करने के लिए? यहाँ आके सेवा करके इतना आनंद आता है कि पूछो ही मत। मंदिर की तो हर की देखो अपनी वैल्यू होती ही है, लेकिन इस मंदिर में आके जो शांति मिली है मेरे दिल को, मैं बहुत टूटी हुई थी एक्चुअली, तो यहाँ आके जो मुझे सहारा मिला है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और वेंकट रमना गोविंदा जी की तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया है। धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आइए, अब ये जो सीढ़ियां हैं ये मंदिर में ऊपर की तरफ जाती हैं, फिर वेंकटेश्वर देवस्थान में है। यहाँ से लोगों के प्रथम तल पर जहाँ ये अभी तक जो मीनाक्षी जी आपने दिया था मनीषा, वो था नीचे का तल जहाँ पर एक हॉल कमरा है और लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, और इन सीढ़ियों से प्रथम तल पर जाने की व्यवस्था है। और आइए, यहाँ प्रभु विराजमान है श्री वेंकटेश्वर बाला जी, और मैं चाहूंगा कि हमारे पंडित जी हैं। मनीषा जी, आज जो यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसका लाइव प्रसारण होगा, जो राजेश भारद्वाज जी हैं ये सोशल मीडिया हैंडल करते हैं और आज के प्रोग्राम को ये लाइव प्रसारण इनके द्वारा किया जाएगा। राजेश भारद्वाज, यहाँ डिजिटल मीडिया मैं ही हैंडल कर रहा हूँ और इनफैक्ट डॉली जी से कनेक्टेड है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। कोशिश हम कर रहे हैं कि ये जो संस्कृति है या जो पूजा है या जो हिंदू धर्म है, हम लोग हर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के बाहर ही पहुँचाएँ। देखिए, अब जितना ऊपर वाले का आशीर्वाद है उसके हिसाब से हम लोग लगे हैं। धन्यवाद। ओके राजेश जी, धन्यवाद। मनीषा, हमारे पंडित जी, हमारे जो हैं यहाँ के प्रभु पंडित जी, उमा पंडित जी हैं, जो आज इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं, और आज का कार्यक्रम जो है वो इन्हीं के द्वारा करवाया जाएगा। उमा पंडित जी, आज शनिवार है, विशेष दिन है, आज पुरुष सूक्त हवन, महालक्ष्मी का हवन होगा, फिर इनका 1600 पूजा होगा बालाजी का, और भजन कीर्तन होगा, पूर्त में आरती पूर्णाहुति आरती सब कुछ हो जाएगा। और कुछ पंडित जी, आप मंदिर के बारे में कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं? मंदिर का स्थापना मेरा हाथ से हो गया, बहुत भाग्य है, फिर इनका कुछ बीच में आके कुछ पूजा करने की सोच रहे, ये साउथ इंडियन टाइप का कर रहे, साउथ इंडियन टाइप नॉर्थ इंडियन टाइप नहीं है, साउथ इंडियन विधि का करते, नॉर्थ इंडियन टाइप भक्ति से श्रद्धा से ये विधि का करने के सोच के ये शुरू कर रहे, धीरे धीरे शुरू। धन्यवाद पंडित जी। तैयारी करो उनके मैं सत्यनारायण का आभार।
वागनादि अनिमादि अष्ट ऐश्वर्य नित्य कल्याण नित्य आनंद नित्य सौभाग्य समृद्धियत्तम मम विद्यार्थिनम भगवत ध्यानाय भगवत ध्याने प्रकाशपदेति दर्जोगा दिवादिवसन जनेन्द्रो यद्धे Yeah,
साख्यम द्रवक्ति संयुक्तम वक्तिना ज्योतिम मजा ग्रहानमंगलम देवम त्रैलोक्यनिराभम आद्य अलंकार दीपम दर्शयामि दीपान्ते राजमणीयम समर्पयामि भोर्भवशतः सत्सर्गवरेण किं प्रभो देवस्य धीमहि धियवचोरन्त ज्योतिगाः देवस्य प्रत्यजपा सत्यं सत्कृतन्त्वा सत्येन प्रयुञ्जामि अमृतम् भवतो अमतो आप सर्व शक्तियों से संपन्न है, आपका पार मन वाणी भी